हेलो, तो आज हम बनाने वाले हैं बटरफ्लाई पॉन्ड। तो उसके लिए हमको चाहिए एक A4 साइज पेपर, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, क्विलिंग पेपर्स, क्राफ्ट पेपर एंड एक ग्लू। तो सबसे पहले हम एक A4 साइज पेपर ले लेंगे एंड इसको कॉर्नर से रोल करना चालू कर देंगे। कुछ इस तरीके से, और अब हम इसको यहाँ से स्टिक कर देंगे। अब आपका जो वॉन्ड है वो जो वॉन्ड का जो स्टिक जो है वो रेडी है। अब हम एक बटरफ्लाई बना लेंगे। अब बटरफ्लाई बनाने के लिए मैंने एक पर्पल कलर का क्राफ्ट पेपर ले लिया है। आई डोंट नो ये पर्पल कैमरे में दिख रहा है या नहीं, बट आप चाहे तो कोई भी कलर का ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि पर्पल ही लेना है, बट मैंने पर्पल कलर का ले लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। अब इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से एंड मैं सेम पीछे में भी कर दूंगी। ऐसे अब इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर देना। इस तरीके से कुछ इस टाइप ही दिखने लग जाता है। अब ये जो पार्ट है इसको मैं मोड़ के पीछे साइड ले आऊंगी कुछ इस तरीके से। ऐसे और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इस तरीके से एंड इसको यहाँ पे लाके मैं इसको यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। अब इसको अच्छे से स्टिक होने के लिए छोड़ दीजिएगा, इसको थोड़ी देर में ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अब ये ड्राई हो चुका है, तो अब जहां से मैंने चिपकाया था वहीं से ही मैं इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी ऐसे।
कुछ इस तरीके से। तो एक बटरफ्लाई जो है वो यहाँ पे रेडी है। अब मैं ये जो स्टिक मैंने बनाया था वो मैं लूँगी एंड पीछे साइड में यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से स्टिक कर दूँगी। एंड अब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी कुछ देर के लिए और फिर इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अब ये जो स्टिक हो चुका है, अब मैं कूलिंग पेपर लूंगी। ये मैंने थोड़ा डार्क पर्पल कलर का लिया है एंड इसको मैं यहाँ पे अच्छे के लिए स्टिक कर दूंगी। यहाँ पे इस तरीके से पहले इसको अच्छे से मैं स्टिक कर देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ देर इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अब मैं इसको कुछ देर ड्राई होने के लिए रख दूंगी। अब ये ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करते रहूँगी, नॉट फोल्ड मतलब स्पाइडर्स बनाते रहूँगी इस तरीके से। और फिर जो एंड में जो होगा उसको मैं स्टिक कर दूंगी और इसको जो है एक्सेस पार्ट को मैं कट कर दूंगी। मेक श्योर कि ये अच्छे से स्टिक हो जाए एंड फिर जो एक्सेस पार्ट है उसको आप कट कर दीजिए। अभी पूरी तरीके से स्टिक हो चुका है एंड आपका जो बटरफ्लाई बॉन्ड है वो भी रेडी हो चुका है। आप चाहे तो आप कुछ बीड्स या फिर कुछ ग्लिटर वगैरह लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं टू मेक दिस बॉन्ड लुक इवन मोर मैजिकल। बट आप अगर नॉर्मली भी बनाना चाहें तो भी ये अच्छा ही दिखेगा एंड आप कुछ भी और इसमें इम्प्रोवाइजेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो। सो बाय।